सबको नमस्कार। आज मैडम का इस प्रोग्राम में मेरे साथ आए हुए मेरा एडवाइज़र ऑनरेबल एमएलए श्री मुचुमिति जी और आपका अपने विधायक मैडम यावी जीनी दिर्ची जी और डिप्टी कमिश्नर अतुल तायंग और हमारा सेक्रेटरी दुली कामदुख जी और इनके साथ जितने भी हमारा एजुकेशन के ऑफिसर्स हमारे साथ टूर में आया और श्री जोनिया बाशार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे बुजुर्ग श्री इकेन रिवा जी फॉर्मर मिनिस्टर और ख़ास करके यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं श्री गोजुम बाशार जी न्यागी रिवा जी तपक न्योदू जी मृदक रिवा जी लेर रिवा जी श्री तोमी बासर जी और भी जितने यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं सबका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा और एचओडीज जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता पीआरआई लीडर्स और जितने भी यहाँ इन्वाइटीज और जितने पोनुंग और जितने छोटे बच्चे यहाँ पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आज यहाँ थोड़ा डिनर और कल्चरल प्रोग्राम का माहौल है। जैसे मुचू जी ने बोला भाषण सुनना पसंद नहीं करता लोग और हमेशा से एक पब्लिक का नोशन है बोलता कि नेता लोग भाषण ज़्यादा देता राशन कम देता होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ आपको राशन ज़्यादा देने के लिए भाषण कम देने के लिए आया इसलिए पूरा अरुणाचल का हम लोग चक्कर काटते हैं। तो ये जमाना बदल गया, लंबा लंबा भाषण देके इसके बाद काम कम होने का, लेकिन इस बार काम ज़्यादा भाषण कम होगा इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। और आप लोग सबको पता है कि हम जो पूरा अरुणाचल का जो भ्रमण कर रहा है इतना जो लंबा टूर कर रहा है तो आप लोगों के नहीं कर रहा है, तो कुछ करने के लिए कर रहा है तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा आपको, इसलिए हम पूरा चक्कर काट के अभी हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेग ऑफ टूर है। इसके बाद हम लोग बैठ के पूरा क्या करना नहीं करना उसका पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे, इसलिए जगह जगह जाके हर डिस्ट्रिक्ट जाके आप लोगों का साथ सलाह मशवरा करके हमारा एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा सा बिगड़ गया था थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया था उसको वापस ट्रैक में कैसे लेके आना है उसके लिए हम लोग का ये एक पहल है जो कोशिश है हमारे सरकार का पेमा खांडू जी का नेतृत्व में एक जो कोशिश है उसको लेके हम चल रहे हैं, मैं मेरा एडवाइज़र और मेरा सारा टीम। तो उसके लिए हम भी इतना उम्मीद करता है कि जहाँ जहाँ गया लोगों का भरपूर सपोर्ट है, दैट वॉज वन ऑफ द यू नो सिल्वर लाइनिंग हमारा जो भी जा रहा है। तो ऐसा ही सपोर्ट आप लोग का यहाँ भी मिलेगा। कल हम लोग फॉर्मल मीटिंग में डिस्कशंस करेंगे सरकार क्या करना चाहता है, आप लोगों को क्या सोच है, तो सलाह मशवरा करके हम एक ऐसा एक सॉल्यूशन पे उतारेंगे कि जहाँ पे हम सबका आने वाला भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनको फायदा होना है। और ख़ास करके मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे हमारा अभी गुरुकुल का बच्चा लोग है जो यहाँ आके परफॉर्मेंस किया है, तो हम हमेशा से हमारा सरकार का भी यही रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन का साथ साथ अपना रूट को कैसे बचा के रखना वो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये गुरुकुल वाला यही कर रहा है, तो उनका जो यहाँ गाना गा रहा था हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, तो ये वही बोल रहा कि हम गालो है जो हमारा अपना जो कल्चर को बचा के रखना है ना, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं ऐसा बीच में हमको लटक के नहीं बैठना है। इसका मतलब जो एक पहल चल रहा है जो बच्चों को अभी से अपना कल्चर का साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दे रहा है, दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ यू नो डूइंग थिंग्स, जिसमें हमारा लोग अपना कल्चर को भी, क्योंकि जब तक हम अपना कल्चर से रूटेड नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस जो इनिशिएटिव के लिए हमारा तरफ से बहुत बड़ा सलाम है। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोगों ने मैडम को हमारा बीजेपी का जो मिले है उसको जीता के भेजा, उसको हमारे तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैडम को मैंने देखा बहुत सारा एमएलए है, मैं मतलब सामने है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जब भी हम ऑफिस बैठेगा इतना मोटा फाइल लेके आता है, नोट ही नोट। आज वह सर्किट हाउस में बैठा फिर भी इतना लेके आ गया, तो उनका भी हम समझ में आ गया फॉर्मूला, मतलब 10 पेपर तो कम से कम 2-3 तो होगा है ना। तो अच्छा है कोशिश, तो इसलिए मेहनत बहुत करता है। मेरा तरफ से मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोगों को मैं एज अ पार्टी का तरफ से और एज अ पी डी सोना
क्योंकि जब सीएम साहब का साथ हम लोग यहाँ पे आया था ग्राउंड में जो एक प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने बोला कि सरकार का तरफ से जिसको टिकट देगा आप लोग जिता के भेजना है। सीएम साहब ने बहुत सरकार का जो डिसीजन को आप लोगों ने माना है और मैडम को जिता के भेजा है उसके लिए दिल की तह से आप सबको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। और भाषण ज्यादा नहीं देते हुए अपना बात को यही खत्म करूंगा। और मैडम का 23 का भी कुछ प्रोग्राम मैं अभी बता रहा था तो उसमें भी अगर मैं फ्री हुआ कोई प्री एंगेजमेंट नहीं होगा फिर जरूर आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आऊंगा। और आने वाला दिन में सबसे इम्पोर्टेंट जो आने वाला दिन में जो हमारा एजुकेशन का जो सिनारियो है उसको किस तरीके से सुधार लेके आना ये हमारा पहल सिर्फ आपका लपरादा नहीं हमारा पूरा पैन अरुणाचल का कोशिश है कि एक क्वालिटी पे फोकस करेगा क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेगा क्वालिटी में फोकस करेगा। क्योंकि अभी मैडम खुद बता रहा था इनका स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल का हम बहुत अच्छे से फाउंडेशन बना के बेचता आगे वीकेवी ले जाता है जेएनबी वगैरह ले जाता है तो यही चीज हमको सरकारी स्कूल में करना है फाउंडेशन लेवल को हमको ठीक करना है। लोग 5% का बात करता है हम यहाँ 5% का बात करने के लिए नहीं आया हम ये बात करने आए कि जो आज हमारा बच्चा अभी फाउंडेशन लेवल में ठीक होके जाएगा तो आगे जाके किस तरीके से क्लास 10 में परफॉर्म करेगा 12 में करेगा इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे शाइन करेगा एट द नेशनल लेवल ये हमको चिंता करना है। उसके लिए जो हमारा कोशिश है इसमें आप लोग सब सपोर्ट करेगा हमको दिल से विश्वास है इसलिए कल का मीटिंग में आप लोग भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए अपना दिल का बात रखिए और हमारा सरकार का सोच और आपका सोच का जब संगम होगा फ्रीक्वेंसी लेवल मिलेगा तभी हम लोग आगे लेके जा पाएगा। उसी उम्मीद का साथ बात ज्यादा नहीं करते हुए मैं अपना बात को यही समाप्त करने का पहले जीनी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद इतना गर्मजोशी से हम लोगों का सम्मान किया है ये गिफ्ट भी दिया है तो जब भी ये पहनेगा आपको लपरा याद आएगा आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके बाद टीवी थोड़ा और ज्यादा देर सीखता है क्योंकि जब जब खाएगा याद आएगा वो तो शायद एक हफ्ता में खत्म हो जाएगा तो बीच बीच में थोड़ा बेचते रहिए मिथी साहब को हमको है ना तब तब याद होगा क्योंकि आदमी का याद बहुत शॉर्ट होता है ना तो बराबर याद करने के लिए कीवी थोड़ा बीच बीच में बेचते रहे हम लोगों को। इसी बात के साथ जस्ट मजाक है जस्ट ऑन द लाइटर नोट ओनली एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल रिसेप्शन एंड लव एंड केयर विच यू हैव शोन टू अस द एंटायर टीम। एक चीज हम आपको दाद देगा नॉर्मली जब ऐसा गिफ्ट जो देता है ना हमने देखा तो वीआईपी को थोड़ा स्पेशल देता है बाकी को थोड़ा ऐसे ऐसे करके कम लेकिन आपका यहाँ में सबको बराबर दिया है ये चीज आपको दाद देना पड़ेगा एंड आई अप्रिशिएट कुडोस टू यू सैल्यूट मारता आपको ये बहुत अच्छा चीज हम वही बैठ के देख रहा था जो मुझे मिला एडवाइजर जी को मिला इनको भी मिला सबको मिला मतलब टिल टॉप टू बॉटम आपने सबको बराबर का नजर से देखा ये आपका सोच बताता है हम लोगों को। इसी तरीके से आप अपना लोगों को भी बराबर देखेगा ये उम्मीद है क्योंकि आदमी का एक्शन से उसका सोच पता चलता है उसका दिल में क्या है वो पता चलता है दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। ये बात करके मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।